हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है बहुत ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि आज का टॉपिक है बच्चों का होमवर्क। कई पेरेंट्स कहते हैं भाई बच्चों को होमवर्क कराना तो हमारी सरदर्दी बन गया है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे बच्चे आराम से होमवर्क करेंगे और आपकी सरदर्दी हो जाएगी थोड़ी सी कम। बच्चों के होमवर्क पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें मैंने 5 तरीके शेयर किए थे। आज उन 5 तरीकों के अलावा मैं कुछ तरीके लेकर आई हूँ आपके लिए जिनसे हम बच्चों को होमवर्क करवा सकते हैं बहुत आराम से। सबसे पहली चीज, बच्चे का टाइम टेबल बनाइए। देखिए क्या होता है ना, हम बच्चे को बार 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 जब एक चीज के लिए बोलते हैं ना, बच्चों को लगता है पता नहीं मम्मी को इससे क्या फायदा हो रहा है। यही होता है जब हम बच्चे को बार बार खाने के लिए बोलते हैं तो वो खाना नहीं खाता, पानी पीने के लिए दूध पीने के लिए बार बार बोलते हैं तो वो करना नहीं चाहता। इसी तरीके से हम जब बच्चे को बार बार स्टडीज के लिए बोलते हैं ना तो वो भी नहीं करना चाहता। तो इसलिए बार बार नहीं बोलना है, उसके साथ बैठिए, उसका एक टाइम टेबल बनाइए, उससे ये बात क्लियर कीजिए कि आपने इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। इस टाइम टेबल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके स्टडी टाइम में उसके कार्टून्स का, उसके स्नैक्स का टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप तो उसको होमवर्क करवा रहे हैं और उसका ध्यान है अपने कार्टून में कि मेरा कार्टून आ रहा होगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल इस हिसाब से सेट कीजिए कि आपका बच्चा भी पूरा उसमें इन्वॉल्व हो, पूरा सेटिस्फाई हो वो उस टाइम टेबल से। मेरी बेटी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन जाती है स्केटिंग क्लास में, तो उन 3 दिन का टाइम टेबल अलग है। सैटरडे संडे को उसके पापा की छुट्टी होती है तो उस दिन का मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे का पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा एडजस्ट होता रहता है। तो इसलिए उस दिन का टाइम टेबल या तो ना बनाए या उसी दिन डिसाइड करें कि आज बच्चा कितने बजे पढ़ेगा। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को ये आदत नहीं पड़ती कि वो टाइम टेबल फॉलो ना करे। दूसरा तरीका, जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं अपने दोनों बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए एक दूसरे की स्टडीज में। जैसे कि जब आपके बच्चों ने होमवर्क कर लिया है उन्हें ये बोलिए कि होमवर्क करने के बाद हम जब दीदी का लेसन पढ़ेंगे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है छोटा बेटा है, तो मैं अपने छोटे बेटे को जब भी पढ़ाती हूँ मैं उसे यही बोलती हूँ कि जब हम दीदी का नया लेसन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको भी उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। या बेटी को मैं इस तरीके से बोलती हूँ कि जब भैया अपना होमवर्क कर लेगा ना तो आप उसको टीचर बनकर ना ABCD पढ़ाना। इससे क्या होता है, इससे बच्चे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। मेरी बेटी को बहुत शौक है टीचर बन के मेरे बेटे को पढ़ाने का, और मेरे बेटे को बहुत शौक है उसकी बुक्स को देखने का, पूछने का कि मम्मा ये क्या है ये क्या है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है। तो ये एक तरीका है बच्चे को होमवर्क आराम से कराने का। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए एक दूसरे की स्टडीज में। होमवर्क कराते वक्त तो अलग अलग रखिए, पर बाद में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए एक दूसरे की स्टडी में। तीसरा कारण, भाई कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का कंपैरिजन ही करते रहते हैं। बाहर के बच्चों से तो छोड़िए, घर में भी कंपैरिजन करते रहते हैं। तुम्हारे भैया तो पढ़ाई करते हैं, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, या तुम्हारी बहन तो इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है तुम्हारी दीदी की और तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों है। इस तरीके से जब हम करने लगते हैं ना तो बच्चे को ये लगने लगता है कि भाई स्कूल में टीचर्स परेशान करते हैं, घर में पेरेंट्स परेशान करते हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं। देखिए मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ ना तो हम 5 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी दीदी जो है वो बहुत अच्छी थी स्टडीज में, स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी। मैं एक हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स को शायद ये बात क्लियर थी हमेशा कि 5 बच्चे 5 फिंगर्स की तरह होते हैं। कौन सी फिंगर कितनी बड़ी होगी वो आप डिसाइड नहीं कर सकते और ना इन्हें खींच के बराबर कर सकते हैं। ये सब अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप्स की है, तो इन्हें खींच के बराबर करने की कोशिश मत कीजिए। यही हम लोग नहीं समझ पाते, आजकल की जनरेशन ये चीज़ रियलाइज नहीं करती और लग जाती है खींचने पे। ये चिंगम नहीं है, ये बच्चे हैं, इस बात को समझिए कि ये चिंगम नहीं है कि हम खींचते रहेंगे। चिंगम भी एक बारी खींचने के बाद बीच में से टूट जाती है, तो बच्चों को इतना मत खींचिए। बच्चों को हम इनक्रेज करें तो ज़्यादा अच्छा है कि बेटा लिखो, अच्छी बात है, पढ़ाई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उन्हें ये रियलाइज करवाइए कि ये उनका फ़ायदा होगा पढ़ने से, आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्हें रियलाइज करवाइए, पर इतना ज़्यादा कंपैरिजन मत कीजिए। चौथी बात, भाई बच्चों को अलाउ कीजिए पूछना। कई पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे सामने कितने पेरेंट्स जब मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो 2 बारी पूछता है ना, हम बोलते हैं क्यों तुम्हारी मैडम तो पढ़ाया नहीं क्या। मतलब एक टीचर 40 बच्चों को एक साथ पढ़ा रही है और मैं सिर्फ 2 बच्चों को एक साथ पढ़ा रही हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा आना चाहिए और टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। इस तरीके के लॉजिक्स पेरेंट्स देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है तो शायद वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, टीचर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है, ये बात समझ लीजिए और उसको पढ़ा दीजिए। क्यों इतना हम लोग सोचते हैं कि भाई बच्चे ने 2 बारी पूछा, 3 बारी पूछा और हम बोलने लगते हैं क्यों तुम्हारी मैडम ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान क्लासरूम में।
पेरेंट्स इतनी तरीके की बातें बच्चे को सुना देते हैं पर उसको वो चीज नहीं बताते जो वो पूछ रहा है। तो हमेशा ये समझिए कि बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल है इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। शायद वो क्लासरूम में टीचर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो मैम से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके, तो इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। इसलिए आप बिना गुस्सा किए उसे पढ़ाइए, बिना गुस्सा किए उसे ये बात समझाइए। पांचवी और सबसे जरूरी बात, देखिए बच्चे को पढ़ाते वक्त अपना फोन और टीवी रखिए बंद। अब देखिए जैसे मेरी बेटी का होमवर्क आता है मैसेज के थ्रू, तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है वो मैसेज देखना, पर नहीं, मैं मैसेज तो देखूंगी, मैं साथ में व्हाट्सएप भी देख लूंगी, मैं फेसबुक भी देख लूंगी, यूट्यूब भी देख लूंगी, टीवी चल रहा है तो टीवी पे भी अपना कोई सॉन्ग वॉन्ग देख लूंगी। पर इससे क्या होता है, इससे बच्चे का होता है माइंड डाइवर्ट। अगर मम्मी फोन पे लगी हुई है तो बच्चा भी फोन में ही देखेगा। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए, अगर आपके बच्चे का मैसेज के थ्रू भी होमवर्क आता है तो उसे एक पेज पे नोट कीजिए और फोन और टीवी को रखिए बंद। चाहे दूसरे कमरे में कोई और देख रहा है तो उन्हें बोलिए कि प्लीज वॉल्यूम कम करो। इससे क्या होता है, इससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट ज्यादा नहीं होता है और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है अपने होमवर्क में, और आप भी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उसके होमवर्क में। देखिए उसका कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, वरना क्या होता है ना, आप कुछ कर रहे हैं फोन में और बच्चा दो बारी कुछ पूछता है तो आप चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने फोन और टीवी को थोड़ी देर के लिए आराम दे दीजिए, उन्हें भी, उनको भी आराम की जरूरत है। इस तरीके से हम बच्चे को बहुत आराम से होमवर्क करवा सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो रहे हेल्पफुल तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।